पति की वो दूसरी महिला के साथ पत्नी और उसके परिजनों ने कोतवाली पुलिस को सुपुर्द किया। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के तिलक नगर में किराए पर कमरा लेकर दूसरी महिला के साथ रह रहे पति को और पत्नी व उसके परिजनों ने पुलिस को सुपुर्द किया। पीड़ित सिवानी ने बताया उसके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि मां मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वो अपने मामा मामी के गांव भूरेपुर कला थाना अजीत मंजिला औरैया में रहती है। वहीं 2020 में औरैया नगर के रुहाई मोहल्ला के निवासी गौरव राठौर के साथ उनकी शादी हुई थी। शिवानी ने बताया कि मामा अपनी समर्थ के अनुसार दान दहेज देकर मेरी शादी की, जिसके बाद भी शिवानी का पति संतुष्ट नहीं था। शादी होने के बाद से ही शिवानी को तरह तरह की यातनाएं देकर प्रताड़ित करता रहा। कई बार पति की प्रताड़ना छुप धोकर शिवानी ने अपने मामा को बताया तो मामा ने क्षेत्रीय पुलिस, महिला थाना आदि कई जगहों शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई न होने पर शिवानी स्वयं मानकर अपना समय काटने पर मजबूर हो गई। जहां पर एक ओर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान चलाना, उन्हें सम्मानित करना एवं प्रोजेक्ट नई किरण की पहल सबके सब हवा हवाई साबित हुए। घटना दिनांक 27 अप्रैल की है। शिवानी अपने ससुराल रुहाई मोहल्ला में, तभी किसी ने बताया कि उसका पति गौरव राठौर किसी अन्य महिला के साथ तिलक नगर में किराए की कमरा लेकर रह रहा है। शिवानी को सूचना मिली तो उसने अपने मामा को बताया और मामा के साथ लेकर शिवानी मौके पर पहुंची तो देखा उसका पति गौरव किसी अन्य महिला के साथ मिला, जिसको शिवानी ने मोहल्ला वासियों की मदद से अपने पति और अज्ञात महिला को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर लिखित शिकायत देते हुए दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई। फिलहाल खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होने की सूचना नहीं मिली। संवाददाता अमित कुमार शर्मा और अय्या। भैया क्या नाम और कहाँ के निवासी हैं? मेरा गांव भूरेपुर कला है और जिला औरैया। क्या समस्या है? समस्या है, मेरी भांजी है, मैंने इसको दहेज के साथ शादी की है। इसको इसका घर वाला परेशान रखता है, 3 साल से परेशान रखा है। इस लड़की का क्या नाम और इसकी शादी कहाँ हुई, किसके साथ हुई? इस लड़की का नाम है शिवानी औरैया मोहल्ला बुरियाई मोहल्ला गौरव पिता उमा शंकर राठौर। क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि वो लड़का इसको 3 साल से बराबर तंग करता रहा, मारता रहा। मुझे पता चला कि वो दूसरी रखा है, कुछ लोगों ने मुझे खबर दी तो मैं पंजाब में रहता हूँ, वहाँ से आया मुझे खबर मिली तिलक नगर विराग वाली गली में रहता है, तो मुझे कुछ लोग मोहल्ले वालों ने मेरी सहायता की मदद से और वो औरत नेवडा से भागा के लाया था, तो मैंने रंगे हाथों उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उसके 2 बच्चे हैं, पता नहीं वो भगा के लाया या किसी को मर्डर करके आई है। इसके बाद में पुलिस की जब सुपुर्द कर दिया, कोई लिखित शिकायत पत्र दी गई है? लिखित शिकायत पत्र आपके सामने है। क्या पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, उसको बंद कर रखा है, अभी कोई कार्रवाई। भैया ये जो शिवानी है ये आपकी भांजी है, और क्या समस्या आ रही है शादी से लेकर के अब तक? समस्या का वो सर लड़का वो परेशान करता है 2 साल से, इसको कुछ पैसा नहीं रखता है, परेशान करता है। वो दूसरी जनानी वो नोएडा से भगा के ले आया है और वो इसको कुछ रखता नहीं अपने पास। अब हम इसको, मैं उसका मामा हूँ, अब तक मैं उसको साथ रहूँ। पुलिस इसके माता पिता जी कहाँ हैं, क्या करते हैं? माता पिताजी खत्म हो गए, माँ पागल है। मैंने हम लोगों ने बचपन से पाला है, शादी की है, दहेज के साथ शादी की है। तो और दहेज मांग रहा था, दिल्लत कर रहा था, जब उसको मैंने कहा क्यों दिल्लत कर रहा है, तो वो दूसरी भगा लाया, तो उसको तलाक दिला के रहूँगा ये बोल रहा है। तो उसने दूसरी जनान को भगा के लाया और मुझे सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद मैंने छापा डाल दिया, मोहल्ले वालों ने मेरी मदद की, मैंने उसको पकड़ लिया रंगे हाथों। बेटा आप